खबर हांडिया प्रयागराज से है। उतराव थाना क्षेत्र के साड़ा बरौना गांव निवासी 72 वर्षीय आलू व्यापारी को फर्जी तरीके से दलित उत्पीड़न में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित आलू व्यापारी मुख्यमंत्री और एसएसपी को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। साड़ा बरौना गांव निवासी राम नरेश पटेल आलू व्यापारी है। 3 नवम्बर की सुबह भररी फिरोजपुर गाँव में मजदूर के सिलसिले में गए थे, तभी मजदूर राम बहादुर गौतम को पत्नी मंजू से गांव के आधा दर्जन से अधिक लोग एक मुकदमे की सुलह समझौते को लेकर विवाद कर रहे थे। राम नरेश पटेल का आरोप है कि उनके पहुंचते ही राम बहादुर गौतम के विपक्षी लोग उन्हें मारा पीटा और गाली जार मारने की धमकी दी। इसके अलावा आरोप व्यापारी से कहा गया कि मुकदमे में सुलह समझौता करा दो, नहीं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पीड़ित ने क्षेत्राधिकारी हांडिया और थाने में आकर लिखित शिकायत भी की। वृद्ध का आरोप है कि कार्रवाई न होने से विपक्षी लोगों द्वारा फर्जी तरीके से उन्हें दलित उत्पीड़न में फंसाने का कुचक्र रचा जा रहा है। पीड़ित वृद्ध ने एसएसपी और मुख्यमंत्री को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। हाँ आबा मारे ना, आबा मारे ना, आबा मारे ना, मारे ना, मारे ना, आबा चल के आज मारे। हाँ चल चल के आज। 3 तारीख को ये अपने लेबर मंजू को बुलाने गया उनके घर पर, तो वहाँ पहले से कहाँ पे किस गांव में? फिरोजपुर भरहरी। तब क्या हुआ? तो वहाँ मतलब इनके परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। जैसे मैं पहुँचा वैसे इनके परिवार के मतलब खिलाफत करने वाले वो हमको तुरंत पकड़ा और हमारा कॉलर पकड़ करके हमको मारने लगे। उसके बाद जो है मतलब मैं अकेला था, मैं 72-73 साल उम्र का आदमी, मैं तो किसी से लड़ नहीं सकता था। फिर जमीन पर भी हमको गिरा दिया और मारा काफी। मारने पीटने के बाद फिर जब हमको कुछ होश आया तो हम वहाँ से अपने घर चले आए।